फिर चढ़ गया। दूल्हे ने शादी की सारी रस्में होने के बाद कार की मांग करते हुए विवाद खड़ा कर दिया। काफी मन्नतें करने के बाद भी दूल्हा नहीं माना और बिना दुल्हन के बारात वापस लेकर लौट गया। वधु पक्ष ने मामले की शिकायत कोतवाली में की। खंडवा के ग्राम नहालदा निवासी 22 वर्षीय युवती की शादी सत्यम मीणा निवासी दीप गांव जिला हरदा के साथ तय हुई थी। दहेज में पल्सर बाइक देना तय हुआ था। मंगलवार को दोपहर में दूल्हा सत्यम बारात लेकर आया। दूल्हे ने बताया कि शाम करीब 6 बजे शादी की सभी रस्में पूरी होने के साथ ही फेरे भी हो गए थे। इस दौरान दूल्हे सत्यम ने यह कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि दहेज में पल्सर बाइक नहीं लूंगा, मैंने आप लोगों को कार का बोला था, कार कहाँ है मुझे बताओ, नहीं तो मैं दुल्हन को यहीं छोड़ जाऊंगा। इसके बाद दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ और दूल्हा बिना दुल्हन लिए बारात लेकर लौट गया। हाथों में मेहंदी लगी दुल्हन बनी आशा कोतवाली थाने में आई। दुल्हन के साथ उसके परिजन और उसके आगे संबंधी भी कोतवाली आए। दुल्हन पक्ष के लोगों का आरोप है कि दूल्हा शराब पिए हुए था। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दूल्हे की तलाश शुरू कर दी है। कि कल दिनांक 3 मई 2022 को उनके यहाँ जो विवाह कार्यक्रम बालिका का था उसमें अनाभिधक पक्ष दूल्हे द्वारा विवाद करके और जो दुल्हन थी उसके भाई के साथ मारपीट करके जो है दहेज की बात को लेकर विवाह कार्यक्रम से वो बिना दुल्हन को लिए चले गए। इन्हीं सब बातों को लेकर वो बिना दुल्हन को लिए चला गया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ितों ने हमारे थाने पर की है, जिसमें हमारे द्वारा संबंधित धाराओं में अपराध पर निबंध किया गया। कल मेरी शादी हुई थी, तो कल ना मतलब रात आई थी, तो दूल्हे की डिमांड थी कि मेरे को कार चाहिए और मेरे घर से दूल्हे गाड़ी थी मोटरसाइकिल, तो दूल्हा छोड़ के चलाएगी।